सो फाइनली दोस्तों, मैं आ चुका हूं एक नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में आपको एक ड्रोन की अनबॉक्सिंग करके देखेंगे। मतलब सबसे पहले आप अनबॉक्सिंग देख लीजिए। अरिजीत 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 के गाने एकदम भाई साहब, मुझसे जो नजर है चुराने लगे हो, लगता है गान बनाने लगे हो, लेट जाओ। अरे ये चल हो गया, सॉरी 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 सॉरी। बहुत ही अच्छे से पैकिंग की है अमेजन वालों ने। चलिए इसे ओपन करके नीचे में जो बैग है उसे निकालते हैं बाहर। और आप देख सकते हैं इसका नज़ारा कुछ ऐसा है, बिल्कुल डिजाइन में अभी। अरे क्या 14,999 रुपये, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। तो ये 14,999 रुपये नहीं है, इसकी प्राइस जो मैं वीडियो के आखिर में आपको बता दूंगा। चलिए इस बॉक्स को सबसे पहले ओपन करते हैं और ड्रोन की मजा लेते हैं। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो मजा लेने के लिए वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। चलिए मैं इस ड्रोन के आपको बिल दिखा देता हूँ। ये मैंने अमेजन से परचेज की थी, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहीं से इसे बाय कर सकते हैं। सो इसे बॉक्स को ओपन करते हैं और अंदर आपको देख ही सकते हैं वीडियो में, पूरी तरह से DJI Mavic क्लोन है। और यह कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल और ये वार्निंग कार्ड। वे यूज करने से पहले आप चार्जिंग कर लीजिए 100% और खुले मैदान में यूज करिए, ऐसा कुछ लिखा होगा। और यह है इसकी QR कोड, इसे स्कैन करते ही आपको वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा आपके फ़ोन में, जिससे आप इस ड्रोन का ऑपरेट भी कर सकते हो विदाउट रिमोट के। और यह है कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल ड्रोन के बारे में। और यह है एक्स्ट्रा एक्सेसरीज जो आपको हर ड्रोन में मिल जाता है। ये 4-4 प्रोपेलर और एक्स्ट्रा 4 प्रोपेलर गार्ड जो कि आपकी ड्रोन को टकराने से प्रोटेक्ट करता है आपके प्रोपेलर के। वैसे भी ये प्रोपेलर फोल्डिंग वाला आता है, आपके कोई ज़रूरत नहीं है गार्ड की। और एक स्क्रू ड्राइवर और USB केबल। तो अब चलिए ड्रोन की तरफ। ड्रोन देखिए बहुत ही छोटा सा है, ड्रोन मैं इसे निकाल लेता हूँ, बहुत ही एक ही हाथ में आपका फिट आ जाएगा। और इसे अनफोल्ड कर देते हैं तो बड़ा हो जाता है, फोल्डेबल ड्रोन है ये। और इसके साथ आपको दो बैटरीज मिलती है, जो कि एक बैटरी 1800 mAh की बैटरी है, लिखा हुआ है बैटरी के ऊपर, वो तो यूज़ करने के बाद पता चलेगा ये कितने टाइम बैकअप देता है। जब मैंने इसे परचेस किया था तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था कि एक बैटरी 10 मिनट तक फ्लाई करेगा, पर यूज करने के बाद पता चलेगा मुझे। और ये है इसकी कैमरा, फोल्डेबल कैमरा जो आपको हाथ में ही खुद एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि इतनी कम प्राइस में आपको नहीं मिलेगा कि रिमोट के साथ फोल्डेबल। और ये है पावर ऑन स्विच, और ये मैंने ऑन करके आपको दिखा दिया हूँ, अभी इसे ऑफ कर देता हूँ और रिमोट की तरफ चलते हैं। ये रिमोट आपको 2.4 GHz में मिलता है, जो कि 80 मीटर आपको लगभग मैक्सिमम रेंज दे देती है। और इसके अंदर 3 बैटरीज मैंने ऑलरेडी पका ली है बैटरी अंदर। और ये जॉयस्टिक और ये वन की टेकअप, वन की रिटर्न ट्रिमिंग, और ये मोबाइल होल्डर जिसमें आप फोन लगा सकते हैं। तो चलिए अब ग्राउंड पर चलते हैं और इसकी फ्लाइंग टेस्ट देख लेते हैं। सो दोस्तों, मैं अभी खुले मैदान पर हूँ, अब मैं थोड़ा सा इसे सेटअप कर लेता हूँ ड्रोन की, फिर फ्लाई करूँगा। और मैं बता रखता हूँ आपको, ये ड्रोन आपको अमेजन में मिलेगा, जो मैंने 6,199 में ख़रीदा था, मतलब 6,200 रुपये। और इसकी कैमरा क्वालिटी, इसकी बैटरी बैकअप, सारी बातें मैं इसी वीडियो में आपको बताऊँगा लास्ट में। और इसकी कैमरा फुटेज में आपको वीडियो आखिर में देखेंगे आप। इसकी कैमरा की क्वालिटी 2 MP के साथ आपको इस कैमरा मिल जाता है प्राइमरी, जो मेन कैमरा है फ्रंट पर। और नीचे में आपको एक और एक कैमरा दिया जाए जो कि 0.5 MP का, उस कैमरा की ज़्यादा यूज़ नहीं करते लोग, बस मेन जो है हमारा प्राइमरी कैमरा जो फ्रंट में लगा हुआ है वही कैमरा हमारी बहुत काम आती है। तो मैं इसे बैटरी इंसर्ट कर लेता हूँ और मैं वाईफाई ऑन करके मोबाइल फ़ोन को उससे कनेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको उस एप्लीकेशन को ओपन करना होगा, देन आपको वाईफाई से कनेक्ट कर लेना है, देन आपको सारी फुटेज लाइव टेलीकास्ट आपके फ़ोन में दिख जाएगा। उसके बाद आप हवा में फ्लाई करेंगे, जहाँ पर जाएगा आपको मोबाइल फ़ोन में वो दिखेगा। इस ड्रोन की एक बात मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, जो कि इसकी स्टेबिलिटी है, मतलब ये एक ही जगह स्टेबल नहीं रहता, मतलब
अब अगर आप वन की टेकअप पर क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही इधर उधर जाता रहेगा। बस यही चीज़ मुझे बहुत ख़राब लगी इस ड्रोन में, और बाकी सब ठीक है। स्पीड मोड और रिमोट मैक्सिमम रेंज जो मैंने 100 मीटर के आसपास फ्लाई किया है, और आगे देखेंगे आप। देखिए रुको, इस ड्रोन में बाकी सब ठीक है, बस एक ही खराबी है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, वो है इसकी स्टेबिलिटी। अपने आप ही तैलता रहता है हवा में, बस थोड़े से हवा में ही अपने आप तैल रहता है, क्योंकि बहुत ही हल्का है ड्रोन सच में। और इसकी कैमरा फुटेज में वीडियो के आखिर में आपको बताऊँगा, 2 मेगापिक्सल की कैमरा आपको मिलती है इस ड्रोन में, और रिमोट कंट्रोल तो बहुत ही बढ़िया है, और इसके साथ आपको 360 फ्लिप और 3 स्पीड मोड आपको मिल जाता है। और मैंने कुछ तस्वीरें ली है इस ड्रोन से, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, 2 मेगापिक्सल में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं, अच्छा है कैमरा क्वालिटी।